नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के नेक्स्ट टाइप के प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, T2 upon T1 = N2 - 1 upon N1 - 1, यही इसका सूत्र होता है। तो T1 का मान मतलब यानी पहला समय कितना दे रखा है, 20 वर्ष दे रखा है। उसके बाद N1 का मान कितना दे रखा है, पहली बार कितने गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। और T2 का मान हमको पता करना है, और N2 का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 4 गुनी हो रही है। कितनी, 4 गुनी हो रही है। इन सभी को इस फार्मूले में रख दीजिए। तो क्या T2 तो हमको दोस्तों पता करना है, बटे में T1 का मान कितना वर्ष है, 20 वर्ष लिखेंगे। = देखिए N2 - 1, N2 का मान कितना है, 4 - 1, बटे में N1 - 1। तो N1 का मान कितना है, 2 - 1 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा T2 upon 20 = देखिए अगर 4 में से घटेंगे 9 का 3, बटे में 2 में से घटेगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों क्या होगा, तिरछा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ T2 = कितना होगा, 20 × 3, 20 तक कितना होता है, 60 वर्ष इसका सही जवाब होगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं, सूत्र क्या है, T2 upon T1 = N2 - 1 upon N1 - 1। ये सूत्र है, T1 मतलब 20 वर्ष, N1 मतलब 2 गुनी, T2 हमको पता करना है, N2 मतलब 4 गुनी हो जा रही है। तो यहाँ पर इस सूत्र में रख दीजिए, T2 तो हमको पता करना है, T1 दे रखा है 20 वर्ष, N2 का मान दोस्तों कितना है, 4 गुनी - 1, N1 का मान कितना है, 2 - 1, = कितना हो जाएगा, T2 upon 20 है। अगर 4 में से घटाएंगे कितना का 3, 2 में से घटाएंगे 1, फिर यहाँ क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देते हैं। तो T2 = क्या हो जाएगा, 20 × 3 बराबर कितना होगा, 20 × 60 वर्ष इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, एक धनराशि 5 वर्षों में अपने की 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 5 गुनी हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसका सूत्र अभी हमने बताया है, इसका सूत्र क्या होता है, T2 upon T1 = N2 - 1 upon N1 - 1, यही इसका सूत्र होता है। तो T1 मतलब पहली बार कितना वर्ष दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है, और N1 का मान कितना दे रखा है, तो कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। और T2 का मान हमको पता करना है, यानी दूसरा समय हमको पता करना है, और N2 का मान कितना गुना हो रहा है, तो 5 गुनी हो रही है। तो इसको सूत्र में रख दीजिए, T2 तो हमको पता करना है, T2 ऊपर आ जाए, बटे में T1 का मान कितना वर्ष है दोस्तों, 5 वर्ष, 5 लिखेंगे, बराबर है N2 - 1, N2 का मान कितना है, 5 × -1, बटे में N1 - 1, N1 का मान कितना है, 3 - 1, बराबर हो जाएगा कितना, T2 upon 5 = अगर 5 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 4, 3 में से 1 गया कितना होगा, 2। देखिए 2 से अगर 4 पॉइंट कितना बार कटेगा, 2 बार कटेगा, फिर हो जाएगा तिरछा गुणा। तो क्या हो जाएगा, T2 = 5 × 2 बराबर कितना वर्ष होगा, 10 वर्ष इसका सही जवाब होगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। दोस्तों, इसका सूत्र यही है, T2 upon T1 = N2 - 1 upon N1 - 1। तो T1 दे रखा है 5 वर्ष, N1 दे रखा है 3 गुनी, T2 हमको पता करना है,
या N2 दे रखा है 5 गुनी, तो देखिए इस सूत्र में रखेंगे T2 तो हमको पता करना है, बटे में T1 का मान कितना है 5 वर्ष, इजकल टू N2 का मान कितना है 5 माइनस 1, N1 का मान कितना है 3 माइनस 1, तो बराबर कितना हो जाएगा T2 अपन 5, इजकल टू 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ से 2 से अगर 4 को काटेंगे कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, फिर यहाँ तिरछा गुणा करा देंगे तो T2 इजकल टू कितना होगा 5 गुणे 2, तो 5 गुना 10 वर्ष इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 7 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 13 गुनी हो जाएगी। इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। पहले आप लोग को क्या लिख लेना है, सूत्र लिख लीजिए T2 upon T1 = N2 - 1 upon N1 - 1, यही इसका सूत्र है। तो T1 का मान कितना वर्ष दे रखा है 20 वर्ष दे रखा है, तो कितने वर्ष 20 वर्ष। N1 का मान कितना दे रखा है 7 गुनी हो जा रही है, कितनी गुनी 7 गुनी। T2 का मान हमको पता करना है और N2 का मान दोस्तों कितना दे रखा है 13 गुनी हो जाती है, कितने 13 गुनी हो जाती है। तो इस सूत्र में रख दीजिए T2 तो हमको पता करना है, T2 upon T1 का मान कितना दोस्तों कितने वर्ष है 20 वर्ष, बराबर है N2 का मान कितना है 13 वर्ष, 13 - 1/2, N1 का मान कितना है दोस्तों 7 गुनी, 7 - 1 होगा, बराबर कितना हो जाएगा T2 upon 20, बराबर अगर 13 में से 1 गया 12 - 7 में से 1 गया 6, 6 से 12 को काटेंगे कितना होगा 2 होगा, फिर यहाँ तिरछा गुणा हो जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा T2 = 20 * ये 2 है ना, 2 से गुणा हो जाएगा तो कितने वर्ष हो जाएगा 20 × 40 वर्ष इसका सही जवाब होगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों, इसका सूत्र यही होता है T1 का मान 20 वर्ष, N1 मतलब 7 गुनी हो जाती है, T2 का मान हमको पता करना है, N2 का मान हमको कितना है 13 गुनी हो जा रही है, T2 का मान हमको पता करना है, T1 का मान 20 वर्ष दे रखा है, N2 का मान 13 - 1, N1 का मान 7 - 1 करेंगे तो T2 अपन कितना होगा 20 = 13 में से 1 गया 12, 7 में से 1 गया 6, 6 से अगर आप 12 काटेंगे नंबर कटेगा 2 बार, फिर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो T2 बराबर कितना होगा 20 * 2 बराबर कितना आएगा 40 वर्ष इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चाहे वह पहली बार है तो चाहे को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।